मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम गोपी कुमार श्रीवास्तव फ्रॉम आईएसएल सुधामडी। दिस इज माय सेकंड वीडियो ऑफ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर एंड दस माय फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। एक्सप्लेन द कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। शेड्यूल मतलब यहाँ टेबल हो गया, डायग्राम मतलब कर्व होता है, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। ये एग्जाम में 3 मार्क्स में आया करता था, ठीक है, पर अब हम लोग देखते हैं इसमें हो सकता है ये 4 मार्क्स का भी आ जाए। तो पहला जो मेरा टॉपिक है वो कंजप्शन फंक्शन है। कंजप्शन फंक्शन रिलेशन दिखाता है बिटवीन द कंजप्शन एंड इनकम, एंड इट इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। आपको मैं बता दूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ एज ए प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से। मान लीजिए हम लोगों के पास 100 रुपये है, और 100 रुपये में अगर मैं 70 रुपये खर्च कर देता हूँ, ठीक ना, तो ये क्या हुआ, 100 रुपये में खर्चा 100 50 70 रुपये हुआ, तो ये आपका एक तरह के कंजम्पशन फंक्शन के रूप में शामिल होता है। जैसे मैं इसे प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, जैसे कि 100 रुपये मेरा इनकम है ना, अब मैंने 70 रुपये खर्च कर दिया, ठीक है, तो बचेगा कितना, 30 रुपये बचेगा। तो 100 इनकम था, 70 खर्च कर दिए, 30 बचा है, तो ये 100 और 70 में जो रिलेशन दिखाता है वही मेरा आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, कंजप्शन एक्सपेंचर है। और जब कंजप्शन एक्सपेंचर को इनकम से हम लोग कंपेरिजन करेंगे कि 70 खर्चा था और 100 रुपये इनकम था, तो वो आपका कंजप्शन एक्सपेंचर या कंजप्शन फंक्शन कहलाने लगता है। तो कंजप्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एक्सपेंचर डैट इज 70 एंड द इनकम डैट इज 100। तो इनकम से ही खर्चा होगा, इनकम से ही सेविंग होगा। अगर 100 रुपये में आप 70 रुपये खर्च कर दिए तो आपका कंजप्शन फंक्शन में आ जाता है वो, क्योंकि ये खर्चा जो है इनकम के साथ ही होगा रिलेशन। और अगर 100 रुपये में 30 रुपये बचा लिए, तो ये जब हम रिलेशन सेविंग और इनकम का दिखाने लगे तो वो सेविंग फंक्शन हो जाता है, और जब हम कंजप्शन और इनकम का रिलेशन दिखाने लगे तो वो कंजप्शन फंक्शन हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कंजप्शन को कंजप्शन एक्सपेंडिचर मानिए, और आपका सेविंग्स को सेविंग एक्सपेंडिचर मान सकते हैं, ठीक ना। सेविंग भी एक तरह का एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि हम उसे भी कहीं ना कहीं सेव करते हैं, तो मेरे हाथ में तो रहता नहीं है, तो इसलिए हम उसे एक्सपेंडिचर कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया होगा कि कंजप्शन फंक्शन क्या है। कंजप्शन फंक्शन इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर। 100 रुपये में 70 रुपये खर्च किए, वही रिलेशन जो है वो आपका कंजप्शन फंक्शन है। और इस कंजप्शन फंक्शन को हमने एक फार्मूला से दिखाया है जिसका नाम सी मतलब कंजप्शन हो गया, इज द फंक्शन ऑफ इनकम। यहाँ साफ लिखा है सी इज द फंक्शन ऑफ इनकम, मतलब कि कंजप्शन इनकम पे निर्भर है, उसका फंक्शन है। जितना ज़्यादा इनकम बढ़ेगा उतना कंजप्शन भी बढ़ेगा। जैसे 100 रुपया है तो 70 रुपये खर्च कर दिए, 200 है तो 140 खर्च कर सकते हैं, 300 है तो 210 खर्च कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा खर्चा, जरूरी नहीं कि 70 ही खर्चा करें, 80 भी कर सकते हैं, 90 भी कर सकते हैं, हम पे डिपेंड करते हैं कि हमारा खर्च क्या है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन दिखा रहे हैं हम हमेशा इनकम और कंजप्शन में, वो आपका कंजप्शन फंक्शन है, और इसको हम लोग इस फॉर्मूला से डिनोट कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने और डिटेल में लिखा है कि मोर इनकम मोर कंजप्शन, लेस इनकम लेस कंजप्शन। साफ बात है, अगर इनकम ज़्यादा रहेगा तो खर्च भी ज़्यादा रहेगा, इनकम कम रहेगा तो खर्च भी कम रहेगा। बट कंजप्शन इनकर्ड इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम। पर यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ कि कंजप्शन क्या होता है, आपका इनकम 0 है फिर भी कंजप्शन होगा, क्योंकि मान लीजिए किसी दिन मैं कमाता नहीं हूँ, या आपके पेरेंट ही कमा नहीं पाए, तो क्या होगा, तो उस दिन तो खर्चा होगा ही होगा। घर में बहुत सारा सामान तो आता ही आता है, जैसे कि घर का जो नेसेसरी गुड्स हैं, वीट हो गया, राइस हो गया, या और भी चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो वो तो आना ही आना है। तो ये क्या करते हैं हम लोग, पास्ट सेविंग से इन्वेस्ट करते हैं, या फिर हम लोग बोरो करते हैं, किसी से मांग के खर्च करते हैं, या फिर अपना पास्ट सेविंग जो हमारे बैंकों में पैसा जो जमा है उसे हम लोग यूज कर लेते हैं, चाहे कमाई हो या ना हो, चाहे इनकम हो या ना हो, कंजप्शन क्या होता है, होते रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम कंजप्शन फंक्शन कहते हैं, और इस कंजप्शन फंक्शन को आल्सो कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसे हम लोग कंजप्शन फंक्शन का दूसरा नाम है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसे हम वो भी कहते हैं। तो दिस कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। टेबल मतलब शेड्यूल, डायग्राम मतलब कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे सी से डिनोट कंजप्शन ऑफ द हाउस होल्ड हो गया, मतलब हम लोग का खर्च हो गया, हाउस होल्ड में हम लोग आते हैं। वाई मतलब डिस्पोजल इनकम, वो इनकम जिसको डिस्पोज करते हैं, जैसे 100 रुपये को खर्च करना, दैट इज डिस्पोजल इनकम। तो वही वाई कहलाता है जो डिस्पोजल इनकम होता है। डिस्पोजल इनकम का मतलब मेनली होता है कि खर्च करने वाला इनकम, कि हम कमाए हैं तो खर्च भी जरूर होगा। अब इसे मैं आपको एक टेबल से समझाने वाला हूँ। आप इस टेबल को देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस डायग्राम को ना देखें, बस टेबल को देखें।
अब यहाँ पर लिखा है वाई लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, वाई जो इससे इनकम हो गया, सी मतलब कंजप्शन हो गया, और आपका ये करोड़ में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा देश के बारे में बात कर रहा हूँ तो पूरा करोड़ के बारे में जरूर होगा। तो अब देखा जाए यहाँ पे तो जीरो इनकम है पर 50 रुपया कंजप्शन हो रहा है सामने, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए जीरो इनकम है 50 रुपये खर्चा हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मैंने बताया था कि आपका इनकम हो या नहीं हो, खर्च तो होगा ही होगा, ठीक है। आप पास सेविंग से कर सकते हैं, आप किसी से बोरो कर सकते हैं, पर हमेशा ये होगा होगा। और एक और बात, जीरो इनकम पे कंजप्शन होता है ना, अगर 50 कंजप्शन हो रहा है तो उससे हम लोग ऑटोनोमस कंजप्शन भी कहते हैं, तो ये भी बात भूले नहीं। फिर 100 पे 100 हो गया, कुछ नहीं बचा, 1 रुपये भी सेविंग नहीं कर पाए। फिर 200 हुआ तो 150 किए, फिर 300 हुआ तो 200 किए, फिर 400 हुआ तो 250 किए। तो इस तरह से देखा जाए, जिस तरह से इनकम बढ़ रहा है तो खर्चा क्या हो रहा, कम होने लगा, और धीरे धीरे हम लोग को क्या होगा, सेविंग भी होने लगेगा। और इसमें याद रखने वाली बात यही है कि जीरो इनकम पे भी जब भी खर्चा होता है वो ऑटोनोमस कंजप्शन भी कहलाता है, मतलब एक तरह का खर्च कहलाता है, ठीक है। अब मैं इसे डायग्राम के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए हमारा जो डायग्राम है, हमेशा याद रखिएगा जो भी मेरा इनकम था, देखिए इनकम मेरा 0 से लेकर 600 है और 50 से लेकर 350 कंजप्शन है, तो इनकम को हमेशा नीचे रखा जाता है, ठीक है, और आपका जो कंजप्शन है उसको ऊपर रखा जाता है। नीचे में एक्स एक्सिस रहता है, देख लीजिए यहाँ पे, और ऊपर में वाई एक्सिस रहता है। और यहाँ पे मैंने देखिए कंजप्शन का जो डिफरेंट है 350 वो भी दिखाया, 100 से 600 यहाँ पे भी दिखाया है इनकम का जो डिफरेंट है। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ये डायग्राम कैसे बना एक्चुअली में, उसमें मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना। तो इसको देख समझने के लिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये टेबल को देखना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ को मैं एक साथ दिखाता हूँ, ठीक ना। देखिए इसको कैसे मैं डील करता हूँ, जैसे जीरो इनकम पे कितना है, 50 है, तो देखिए जीरो पे जो कंजप्शन है वो 50 यहाँ पे है, तो ये रेड लाइन जो जा रहा है वो दिखा रहा है कि आपका जब इनकम जीरो है तो आपका कंजप्शन 50 है। फिर देखा जाए 100 इनकम पे 100 खर्चा है, तो उधर भी देख सकते हैं कि 100 इनकम पे 100 खर्चा है, देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट बना दिए। तो आपको क्या करें, पॉइंट बनाते जाना है, दोनों को टेबल के अनुसार पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो कंजप्शन सीधा ऐसे जाएगा और इनकम सीधा ऐसे जाएगा, और जहाँ पे कटेगा, ठीक ना, वहाँ पे ये प्रूफ होता है कि जैसे देखिए यहाँ 100 पे 100 पे बराबर हो गया, तो यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि ये जहाँ पे भी कट रहा है, ठीक है, वहाँ पे एक ब्रेक इवन पॉइंट बनता है, मतलब उस पॉइंट में क्या होता है, कंजप्शन और इनकम के बराबर है। जैसे आप टेबल में यहाँ देख सकते हैं, देखिए टेबल में देख सकते हैं हम लोग, ये हमारा जो 100 100 बराबर हो गया, और उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये भी यही दर्शा रहा है कि आपका इनकम और कंजप्शन क्या है, बराबर हो गया है। इसे और डिटेल से हम लोग को समझना पड़ेगा, और भी मैं समझा देता हूँ। अब देख सकते हैं जैसे यहाँ पे बराबर हुआ इस पॉइंट पे ई पे, इसका मतलब क्या हुआ, इनकम और कंजप्शन बराबर है। पर आगे देखा जाए तो इनकम का लाइन ऊपर चला गया और कंजप्शन का लाइन नीचे आ गया, जब कंजप्शन कम हो गया और इनकम ज़्यादा हो गया तो बीच में सेविंग होना ही है। अब वही अगर नीचे आए तो देखा जाए तो इनकम कम हो गया है और कंजप्शन ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस सेविंग हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है डिस सेविंग, तो ये देखिए डिस सेविंग हो गया, ठीक है। तो इसको डायग्राम को हम लोग टेबल से देख के बनाते हैं, फिर हम लोग कंपेरिजन करते हैं, क्योंकि पहले मीनिंग लिखा जाता है, फिर टेबल बनाया जाता है, फिर डायग्राम बनाया जाता है। तो हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग को डायग्राम को डील भी किया जाता है, हम लोग डायग्राम को डील भी करेंगे। तो चलिए हम लोग डायग्राम को डील करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कंजप्शन फंक्शन से रिलेटेड है, ये है कि स्टार्टिंग ऑफ कंजप्शन कर्व, कि स्टार्टिंग कंजप्शन कर्व कहाँ से होता है। देखा जाए तो कंजप्शन कर्व जो सीसी है स्टार्ट फ्रॉम द सी ऑन द वाई एक्सिस, मतलब ये क्या होता है एक्चुअली में, ये वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। दिस इंप्लाइड दैट देयर इज अ ऑटोनोमस कंजप्शन ऑफ ओसी इवन व्हेन द नेशनल इनकम इज जीरो। इसको समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, टेबल दिखा सकता हूँ, टेबल आप देख लीजिए यहाँ पे टेबल ये बता रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आपका जीरो पे 50 जो खर्चा हुआ था उसको ही ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं, और यही बताना चाह रहा है कि इनकम जो है जीरो से मतलब वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है और वो ऑटोनोमस कंजप्शन 50 दिखाता है, ये आपका पॉइंट जो है डील कर रहा है। फिर दूसरा है स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन, स्लोप कैसे जाता है, तो वो स्लोप जो है सी सी हैज पॉजिटिव स्लोप, स्लोप मतलब हो गया डायग्राम का जो लाइन है वो स्लोप कहलाता है, विच इंडिकेट एज इनकम इंक्रीजेज कंजप्शन इंक्रीजेज, मतलब वो लाइन ये दिखा रहा है कि आपका इनकम बढ़ रहा है तो कंजप्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप सी का लाइन को देख लीजिए, सी मतलब कंजप्शन को देख लीजिए, देखिए वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इनकम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो डायग्राम को ही डील किया जा रहा है। फिर इनकम इज लेस देन कंजप्शन, मान लीजिए इनकम कंजप्शन से कम रहेगा तो क्या होगा, डिस सेविंग होगा, ठीक है, जो मैंने डायग्राम बताया था। फिर ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता है, जहाँ पे कंजप्शन और इनकम बराबर हो जाता है। अब मोर इनकम इज मोर देन कंजप्शन, इसका मतलब हो गया कि इनकम ज़्यादा है कंजप्शन कम है, तो डेफिनेटली सेविंग होगा। तो आप इस थ्योरी पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो
तो उसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजम्पशन फंक्शन। जिस तरह से आपको बताए थे कि कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या होता है या दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है या कंजम्पशन फंक्शन जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज को हम लोग एपीसी कह सकते हैं, मार्जिनल को हम एमपीसी भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो टॉपिक था आज का वो है आपका बिल्कुल कंजम्पशन फंक्शन पे। आप इस टॉपिक को बिल्कुल बना लें और समझ लें, आपको कहीं दिक्कत नहीं हो, इसका सुविधा मैंने करके रखा है, आप इसे सारा टॉपिक लिख लें। थैंक यू एंड राइट आल्सो दिस नोट्स बिकॉज दिस नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट क्लास आई एम डिस्कसिंग अबाउट एपीसी एंड एमपीसी, ठीक ना, एंड देयर रिलेशन, देयर मीनिंग। ओके थैंक यू, राइट दिस नोट्स, थैंक यू।